स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कि बस हर टीम अपने घर में जीतेगी, इंडिया भी उनमें से एक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इंडिया के पास एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास IPL है, इंडिया के पास ये है, इंडिया के पास वो है। आपके लिहाज से आज इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में कहाँ खड़ा है? आप चाहते हैं कि मैं IPL के बारे में बोलूँ कुछ? बिल्कुल नहीं, ना ही बोलो तो बेहतर पाजी। लेकिन इतने साल में IPL ने कुछ अच्छा भी किया होगा, मुझे बता दो। आपके जो यंगस्टर्स हैं कई बार वो बिना खौफ के खेलते हैं, कहते हैं आपके ड्रेसिंग रूम में रिकी पॉन्टिंग बिना खौफ के, देखो बिल्कुल बिना खौफ के खेलते हैं, बिना खौफ के मैच फिक्सिंग करते हैं, बिना खौफ के बैटिंग करते हैं। क्रिकेट में आपको कोई अच्छी चीज़? मैं ये देखो IPL को मत लाओ इसमें प्लीज, इससे बड़ा स्कैम मेरे विचार में और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। किसी को मालूम नहीं है, मैं ईमान से कहता हूँ कि nobody knows here कि IPL का पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है। You know, this is exactly what I'm saying. कि अगर हमें इल्म नहीं है ना तो बहुत अच्छा है। पाजी लेकिन ये perception है, हकीकत है? हकीकत है भाई, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, किसी ने अभी तक, अब किताब गलत हो तो कोर्ट में ले जाओ ना, हो गया। पर कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हो पाया जो प्लेयर्स पकड़े गए थे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट कैसे आया इन द फ्रे, टेल मी How did Supreme Court come into the fray of Indian cricket? नहीं, Supreme Court तो BCCI से ही चला रहा है, लेकिन वो match fixing का तो कुछ हुआ ही नहीं। IPL कौन चला रहा है? Supreme Court? COA? No, अब COA अब आया ना, IPL तो 10-11 साल हो गए। Second edition of IPL, if you remember, South Africa में went to South Africa, and millions of dollars were taken out of this country without the permission of the Finance Ministry or the RBI. हम में से कोई है who is even concerned? ये नहीं मैं कहना चाहता, देश में नो। लेकिन देखिए पार्लियामेंट में बैठे बीजेपी कांग्रेस और जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को चलाती रहेंगी, IPL के लिए दे आर ऑन द सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म।